हेलो किड्स, वेलकम टू ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। टुडे वी विल रीड लेसन वन एंड नेम ऑफ द लेसन इज द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर की रचना कैसे हुई, कैसे पैदा हुए कंप्यूटर्स, डिफरेंस बिटवीन जनरेशंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए यहाँ पे एक टोबो एंड डोबो दो फ्रेंड्स होते हैं। डोबो एक ह्यूमन है और टोबो हाफ ह्यूमन हाफ मशीन है, ठीक है। ये दोनों अटेंड कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास। टोबो एंड डोबो आर अटेंडिंग द हिस्ट्री क्लास। द हिस्ट्री टीचर एक्सप्लेन द स्टोन एजेस, एक्सप्लेन करने लग जाती है हिस्ट्री। थ्री एजेस बता देती है, ओल्ड स्टोन होती थी, मिडल स्टोन होती थी, न्यू स्टोन एजेस, ठीक है। देन शी रिकॉल, फिर वो उनको दोबारा से रिमेंबर करवाती है कि हाउ ह्यूमन बींग्स इवॉल्व्ड, कि ह्यूमन बींग कैसे पैदा हुए, जो कि उन्होंने क्लास फिफ्थ में पढ़ा था। हिस्ट्री पीरियड जैसे ही एंड होता है, नेक्स्ट पीरियड होता है कंप्यूटर पीरियड। डोबो एंड टोबो केप्ट वंडरिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मैन फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर। डोबो और टोबो क्या है, यही सोच में लगे रहते हैं। वो हैरान होके सोचते हैं कि एक इंसान की रचना, इंसान एक बंदर से कैसे पैदा हुए, कि बंदर हमारे क्या थे, पूर्वज थे। वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच सोच के हैरान परेशान हो रहे होते हैं। कंप्यूटर टीचर उनको पूछती है, टोबो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। वो जो हाफ मशीन है हाफ ह्यूमन है, उससे कंप्यूटर टीचर पूछती है कि टोबो तुम क्या सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो। टोबो, आर ह्यूमन टीचर जस्ट टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। टोबो कहता है कि जो हमारी हिस्ट्री टीचर है, उन्होंने हमें बताया था ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, तो आई एम थिंकिंग हाउ कंप्यूटर इवॉल्व। मैं ये सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर इवॉल्व के, कि कंप्यूटर कैसे पैदा हुए, कंप्यूटर किसने बनाया। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास लाफ्ड, जितने भी क्लास में स्टूडेंट थे वो सब हंसने लग जाते हैं और ये कहते हैं कि खुद एक हाफ कंप्यूटर, जो खुद एक हाफ कंप्यूटर है, वो अपने ही एवोल्यूशन के बारे में सोच रहा है। टीचर, मैनी इन्वेस्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की रचना में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है, हाथ है। अ कंप्यूटर इज़ ए कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। कंप्यूटर क्या है, बहुत एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी है जो क्या है, काफ़ी पार्ट्स, मैनी पार्ट्स के साथ क्या है, बना हुआ है। ईच ऑफ विच कैन बी कंसिडर्ड अ सेपरेट इन्वेंशन। हर एक पार्ट उसका क्या, एक सेपरेट इन्वेंशन है। हर एक पार्ट की इन्वेंशन की गई है और उन सभी इन्वेंशन का एक ग्रुप क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। टीचर, ओके लेट्स टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। टीचर कह रहे हैं चलिए अब हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। डू यू नो चार्ल्स बैबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटिंग। क्या आप जानते हो कि जो चार्ल्स बैबेज हैं वो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बैबेज ने। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, द कंप्यूटर हैड इट्स बिगनिंग इन 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी, व्हेन इंग्लिश मैथमेटिक्स प्रोफेसर जिनका नाम था चार्ल्स बैबेज डिजाइन एनालिटिकल इंजन। जो सबसे पहला उन्होंने कंप्यूटर बनाया था उसका नाम, उसको जो नाम दिया गया था वो एनालिटिकल इंजन था। वो इंजन की तरह उन्होंने डिज़ाइन किया था। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेन इंजन की बात हो रही है। इट इज़ ऑन दिस डिज़ाइन, मतलब कि ये जो डिज़ाइन है, आज के जो कंप्यूटर्स हैं ये इसी का ही बेस उठाकर क्या है, इसी का ही फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं आज के जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं। जो एनालिटिकल इंजन था ये सबसे पहला फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनिकल कंप्यूटर था, जो फास्ट कैलकुलेशन करता था, जिसमें क्या है कि पंच कार्ड यूज़ होते थे। पंच कार्ड इन द सेंस कि अगर मैं बोलूं जैसे एटीएम कार्ड्स हैं, आज का एटीएम कार्ड सबके पास है, सबको पता है एटीएम कार्ड के बारे में, तो वो भी क्या है, जस्ट लाइक अ पंच कार्ड। आप क्या करते हो, पंच करते हो मशीन के अंदर, उसको पंच करते हो और जो भी इसमें डाटा आप एंटर करते हो कंप्यूटर के अंदर, जैसे आपका पिन नंबर हो गया, अमाउंट हो गई, कि आपने डाटा विड्रॉ करवाना है कि डिपॉजिट करवाना है, कि सिर्फ इंफॉर्मे क्या कहते हैं
बैंक मतलब बैलेंस चेक करना है, वट एवर, ठीक है। तो ये क्या है सर, आप सब क्या है कि जब आप एटीएम पंच करते हो तो जितनी भी उसमें इंफॉर्मेशन होती है, आपके कार्ड नंबर हो गया, पिन नंबर, वट एवर, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होती है, वो सब क्या है एंटर हो जाती है कंप्यूटर के अंदर। सेम वैसे ही पहले क्या होता था, जो एनालिटिकल जब इंजन इन्वेंट हुआ था तो तब पंच कार्ड यूज होते थे कैलकुलेशन के लिए, जस्ट फॉर कैलकुलेशन, क्योंकि जब फर्स्ट कैलकुलेटर जब फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, वो सिर्फ कैलकुलेशन ही कर सकता था। तो वो कैलकुलेशन इस तरीके से करता था कि पंच कार्ड यूज किए जाते थे इनपुट के लिए। तो उसमें क्या है, फॉर्मूले प्रोग्राम किए गए होते थे पंच कार्ड में, ट्रिग्नोमेट्री के हों, चाहे वो कोई लॉजिक फंक्शंस हों, वट एवर, जो भी मैथमेटिकल के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, सब क्या है पंच कार्ड के अंदर प्रोग्राम्ड किए होते थे। जब वो पंच कार्ड अंदर पंच किए जाते थे कंप्यूटर उस एनालिटिकल इंजन में, तो तब क्या है कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई जाती थी। डोबो ट्रेन इंजन की, क्या ये ट्रेन इंजन की बात कर रहे हैं? टीजी कहते हैं नो, नॉट ट्रेन। वॉच दिस वीडियो एंड यू विल फाइंड आउट व्हाट एन एनालिटिकल इंजन इज। देखिए एक एक्टिविटी है, लेट्स वॉच अ वीडियो ऑन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स बाय यूजिंग द लिंक गिवन बिलो। बेटा आपकी बुक में यहाँ पे एक लिंक दिया होगा, आप वहाँ पर भी जाके इस लिंक को विजिट करो और वहाँ से भी आप देख सकते हो। नहीं तो मैं आपको एक अलग से सेपरेट लिंक आपको भी शेयर करूँगी व्हाट्सएप पे, आप वहाँ पे वॉच कीजिए, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए उस लिंक पे और वॉच कीजिए वीडियो को, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उस वीडियो में आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, फर्स्ट प्रोग्रामेबल वेविंग डिवाइस कौन सा था, ठीक है। ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये सभी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आज आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशंस होती हैं, ठीक है। सो स्टे सेफ, टेक केयर, अपने पेरेंट्स का कहना मानिए, थैंक यू।